एवरीबॉडी इज रेडी टू गेट ऑन द डांस फ्लोर, क्योंकि बहुत जल्द ये सभी सितारे नजर आएंगे नच की एक और शाम में। का नतीजा ही तो है जहां ये सब जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हैं। ये नजारा है जी रिश्ते अवार्ड्स के रिहर्सल हॉल का, जहां ये सभी सितारे बहुत जल्द अपने अपने नच के जलवे को बिखेरते नजर आएंगे। सबसे पहले चलिए चलते हैं सोमेंद्र और सरोजनी के पास, जो ढोल नगाड़ों की धुन में पूरी पूरी तरह मग्न है। मैं और मैं डर बहुत रहा हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। एक्चुअली मैंने कभी लाइव परफॉर्म किया नहीं है, परफॉर्म ही नहीं किया है। एक्चुअली मैं परफॉर्म करने से दूर भागता हूँ, क्योंकि मैं डांस से दूर भागता था हमेशा। बट आई थॉट कि मुझे करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। एवरीवन शुड लर्न एंड नो वन शुड स्टॉप लर्निंग। सो मैं इसलिए सीख रहा हूँ एंड आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड दैट आई एम परफॉर्मिंग लाइव। The song has very quicky beats. Like if you miss one beat and it's like da 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 da. So I think it's a challenge for me and it's a little difficult to catch her pace. अब जरा इनके पास भी तो चले, जो यहाँ भी सीरियल की तरह ही सिर्फ वादा निभा रहे हैं। मैं बहुत excited हूँ। मेरा first ever award function है और performance करने को मिल रहा है Indian style, very excited. और मैंने पहले परफॉर्मेंस किया हुआ है बट नेवर फॉर एन अवार्ड फंक्शन। तो ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है और मैं किसके साथ डांस कर रहा हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन डांसर है। जाते जाते इनके इश्क के जलवे भी तो देखते जाइए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तश्न इश्क वालों की, जो जी रिश्ते अवार्ड्स की कमर तोड़ तैयारी में लगे हैं। लगे रहिए, खूब मेहनत करिए। इतनी सारी रिहर्सल्स के बाद अवार्ड्स भी तो बटोरने हैं ना। ABP News Report.